फ्रेंड्स, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में आप देख रहे हैं, आखिर में एनएक्सी प्रोजेक्ट सुरक्षा में क्या चीज है। जैसे कि देख रहे हैं टीकाकरण, यानी कि एनएक्सी प्रोजेक्ट टीकाकरण, तो ये देख रहे हैं प्रति व्यक्ति 50 रुपए, यानी कि आप अगर एनएक्सी में काम करके एनएक्सी के माध्यम से आप काम करना चाहता है, टीकाकरण का जागरूकता अभियान करना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी 50 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा। आप महीने में कहा जाए कि 5,000 से लेके 15,000 तक कमा सकते हैं। ये सभी बेरोजगार भाइयों के लिए सुनहरा मौका है, यानी कि सुनहरा ऑफर है। अगर आप एक एमपी ऑनलाइन संचालक है या सीएसए सेंटर है, या तो आप घर पे युवा रोजगार, कहने का मतलब कि युवा बेरोजगार बैठे हैं, तो आप इफ यानी कि इस प्रोजेक्ट में काम करके आप 5,000 से लेके 15,000 रुपये महीने तक आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस करना होगा, इसके हम डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहता हूं। अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा ले, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अगर अपने डिजिटल यानी कि अपने अपने दुकान को डिजिटल पैन सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आप एनएचडीएल पैन सेंटर कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देखें और आपको पैन सेंटर आसानी से मिल जाएगा। तो हम चलते हैं आज जैसे कि बात कर रहे हैं एनएक्सी प्रोजेक्ट सुरक्षा, यानी एनएक्सी प्रोजेक्ट सुरक्षा क्या चीज है, आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रति व्यक्ति 50 रुपये मिलेगा, आखिर में कहां से मिलेगा 50 रुपये, क्या करना होगा, तो ये चीजों के बारे में हम आगे बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। आप जानते ही है कि पढ़ लिख के भी घर पे बैठे हैं, कोई भी रोजगार आपको नहीं मिल रहा है, तो इस ऑफर में आपको एनएक्सी ने लेके आया है। अगर आप अपने गांव में जाके प्रेरित करते हैं टीकाकरण के लिए कि आप के लिए टीकाकरण कराइए और आप कोरोना से मुक्त रहिए, तो आपको इस काम के लिए 50 रुपये एनएक्सी दे रही है। ये कैंडिडेट यानी कि प्रति कैंडिडेट प्रति व्यक्ति पे 50 रुपये आपको एनएक्सी दे रही है। तो आपको कैसे करना है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है, इसके बारे में आगे हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल पे आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जो कि इस प्रकार से हमारा पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एनएक्सी, पहले से आप दिखा है एनएक्सी टीएम, यानी कि एनएक्सी टीएम प्रोजेक्ट स्वच्छता यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोजेक्ट स्वच्छता एप्लीकेशन फॉर्म है। और अगर वीडियो आप देखना चाहे तो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रोजेक्ट के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का यानी कि प्रोजेक्ट सफल बनाने का ये है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कम समय में अच्छा लोगों को जोड़ के और अच्छा वर्क करके दिखाना है कि कैसे एनएक्सी में काम किया जाता है एनएक्सी के माध्यम से, और कैसे पैसा कमाया जा सकता है, यानी दोनों चीज आप सोशल वर्क भी करेंगे, सोशल वर्क के साथ आपको इनकम भी होगा। अब यहां पे बात रही कि आपको नोट, ये सर्वे गांव में करना है, यानी कि आपको ग्रामीण में करना है, शहरी में ये सर्वे नहीं करना है, क्योंकि ये सर्वे ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट जो बनाया गया है ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का यानी प्रेरित करने का बनाया गया है, जिससे कि आप प्रेरित करेंगे और उन्हें एनएक्सी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वहां टीकाकरण तक पहुंचाएंगे। टीकाकरण कराने के बाद आपको एनएक्सी ऐप पे अपलोड भी करना होता है, जिससे कि आपको एनएक्सी 50 रुपये हर कैंडिडेट यानी प्रत्येक कैंडिडेट पे आपको पेमेंट करती है। अब इसमें देख रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो अप्लाई वन देख लीजिए, अप्लाई ओनली वन, डू नॉट रिसीव टू योर एप्लीकेशन, यानी कि आप देख रहे हैं अप्लाई जो कर रहा है आपको हर कैंडिडेट का करना है, नॉट सर्वे नीड टू बी डन, यानी कि ओनली विलेज, आप देख रहे हैं सर्वे जो करना है यानी कि विलेज लेवल पे गांव लेवल पे करना है। लेकिन एनएक्सी में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मान लेते हैं आप प्रेरित कर रहे हैं लेकिन गांव के लोग प्रेरित नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने प्रधान या सरपंच या मुखिया जिसे भी कहा जाए उनके माध्यम से भी आप इस वीडियो को दिखा के और अनेक प्रकार से यानी कि आप प्रेरित कर सकते हैं। अब एनएक्सी में आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं जैसे फुल नेम यानी कि आपका पूरा नेम, तो यहां पे हमें अपना पूरा नाम देना है। अपना पूरा नाम देने के बाद अब यहां पे आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यानी कि आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आपके पास है आप देना चाहते हैं, अल्टरनेट जिसे कहते हैं, तो आप यहां पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधा ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहां पे बात रही कि यहां पे बोलता है योर ईमेल आईडी, यानी कि आपका मेल आईडी जो है आप यहां पे अपना मेल आईडी यानी रजिस्टर करेंगे।
ये मेल आईडी देने के बाद अब हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से स्टेट पे हैं। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, मणिपुर से हैं, कहीं पे भी हैं, आप आसाम से हैं यानी दमन से हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम मध्य प्रदेश से हैं तो जैसे मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद अब आता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को अपना टाइप कर देंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट लिख दिए, तहसील अब यहाँ देना है, यहाँ तहसील को दे देंगे। अब यहाँ पे पूछता है गांव के नाम लिखे जहां आप कार्य कर सकते हैं, गांव का नाम जहां आप काम कर सकते हैं। तो हम यहां पे एक गांव के बदले अनेक गांव दे सकते हैं, जैसे एक गांव, दो गांव, तीन गांव भी दे सकते हैं। तो हम यहां पे दे लेते हैं ये देख रहे हैं, इस तरह से हमने दो गांव को यहां पे सेलेक्ट कर दिया, दो गांव को दे दिया। और यहां पे पूछ रहा है अब नौवें नंबर पे यानी कि योर करंट एंड लास्ट ऑप्शनल यानी कि एंड एक्सपीरियंस, अगर आपका आप सफल वर्क काम किए हैं, आप ऐसे वर्क में काम किए तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को दर्शाएंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप एक्सपीरियंस को छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने वन ईयर आप डाल दिया, ये पूछ रहा है टीकाकरण यानी वैक्सीन, टीकाकरण की स्थिति, क्या आपने टीकाकरण लगवा लिया है, योर वैक्सीनेशन स्टेटस यानी कि आपने क्या टीकाकरण लगवाया है, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बट लगवाया है, अगर लगवाया है तो हाँ कौन सा डोज लगवाया, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, यानी कि अपॉइंटमेंट बुक क्या किया है या पेंडिंग किया है। तो हम जैसे कि फर्स्ट डोज यहाँ पे करा लिए हैं तो फर्स्ट डोज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एनएक्सी पूछता है योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यानी टीकाकरण का प्रमाण पत्र, आप टीकाकरण अगर लगवा लिए हैं तो यहां पे प्रमाण पत्र अटैच करेंगे, अगर मान लेते हैं अभी करंट में नहीं है तो आप थोड़ा सा बाद में कर ले सकते हैं, तो यहां पे आप टीकाकरण के जरूर यानी कि आप फाइल अपलोड करें। अब पूछता है यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में YouTube चैनल से पता चला यानी किस YouTube चैनल से पता चला, तो आप अपना YouTube जरूर इसमें यहाँ ध्यान दें कि आप जब फॉर्म को फिलअप करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा अभी डिजिटल सेवा, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है अभी डिजिटल सेवा। जैसे कि आप इस YouTube के माध्यम से आपने पता चला आपका यानी कि आपने पता किया कि हमें एनएक्सी यानी कि एनएक्सी के बारे में पता चला कि इफ यूट्यूब के यानी इफ यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि इन्होंने हमें जानकारी दिया एनएक्सी में हमें ये चीज़ कर सकते हैं और बेरोजगार युवा कैसे आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे यूट्यूब चैनल अपन ने सेलेक्ट कर लिया, यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करने के बाद अब पूछता है अटैच योर फाइल यानी कि स्वयं का फोटो, कैंडिडेट का फोटो, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका फोटो, तो हम यहाँ से आप फोटो को यानी अटैच फाइल पर हम क्लिक करेंगे और प्लस पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे अब हमारा जहाँ पे फोटो रखा रहेगा यानी कि जी फोल्डर में आप फोटो रखेंगे, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप से, मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से, किसी भी से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिए, तो ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से अब फोटो अपलोड हो रहा है यानी प्रोसेसिंग 10KB का था, ये फोटो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है आप आपका अगला स्टेप एनएक्सी पार्टनर ऐप को इंस्टॉल करें, साइन अप करना और डाउनलोड करने के लिए लिंक पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ से जो लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं करते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने पहले ही बताया था रजिस्ट्रेशन लिंक डालेंगे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे यानी कि ऐप का जहाँ पे डाउनलोड करना है इस लिंक को भी हम एनएक्सी पार्टनर लिंक को भी दे देंगे। लेकिन ये पेमेंट अब काम करने के बाद आती है, पेमेंट आता कब है, ये वीकली यानी कि हफ्ते में एक सप्ताह जितना काम किए रहेंगे उसका क्वालिटी चेक होगा कि आपने जो यानी एनएक्सी के माध्यम से काम किया है क्या आपने सर्टिफिकेट सही अपलोड किया है या नहीं किया है, तो वो चीज़ चेक करने के बाद आपको यानी कि हफ्ते में यानी कहा जाए कि एक हफ्ते में आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। अब यहाँ बात रहता है एनएक्सी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले एनएक्सी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होने के बाद अब इस प्रकार से हम लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर मेल आईडी दिए हैं। अब ये देने के बाद अब यहाँ पे पूछता है यानी कि आपका ये फर्वे स्टार्ट होता है जो कि आपको ट्रेनिंग वीडियो चलेगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगा कि कैसे करना है, हमें किस प्रकार से करना है कि आगे का ट्रेनिंग करने के बाद हम आगे का वर्क कर पाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पे दिखाता भी है कि पे आउट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारे चीज़ आपको एनएक्सी के माध्यम से दिखाता है। तो ये चीज़ एनएक्सी में सारे ऐप में पूरा चीज़ यानी कि कहा जाए कि आपको सारे सुविधा दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एनएक्सी ऐप में लॉगिन कैसे करते हैं, आगे का वीडियो कंप्लीट कैसे करते हैं, आगे का क्या प्रोसेस है।
थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी छोटा सा रोजगार मिल सके, छोटा सा अमाउंट कमा सके, यानी पैसा कमा सके। ज़्यादा तो नहीं, 5,000 से लेकर 15,000 तक महीने का आसानी से आप कमा सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करें और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जरूर ध्यान दें कि अभी डिजिटल सेवा को जरूर सेलेक्ट करें। तो थैंक यू दोस्त।